वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सेमेस्टर टू पेपर फोर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे पहले हम रियल एनालिसिस का अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप लोग तो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। ओके, देन देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन इसे बनानी है, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर वन से ही रहता है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये हम अपने चैनल में कराए हुए इस टाइप के क्वेश्चन, एंड देन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट में आते हैं। ओके, देन अब आते हैं यहाँ देखिए 6 7 नंबर। तो 7 नंबर जो है वो चैप्टर 10 से है। ओके, चैप्टर 10 से है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें निकालनी है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो दो क्वेश्चन लिए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से देखिए, जरूरी नहीं है कि अब सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इस पेपर में। ओके, तो हो सकता है कि 3 की जगह 4, 4 की जगह 2, कुछ भी लिखा रह सकता है, बट इसी टाइप के आएंगे ये, हम चैलेंज कर सकते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब आते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर में देख सकते हैं सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली दिया गया है, एंड 9 नंबर में सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने दिया गया है। सिंगुलर सॉल्यूशन मीन्स हो जाता है केलार्स इक्वेशन से निकाला जाता है, ठीक है। तो केलार्स इक्वेशन इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। ओके, केलार्स इक्वेशन देख लीजिएगा, सोल्यूबल फॉर एक्स, सोल्यूबल फॉर वाई, फिर केलार्स इक्वेशन उसमें आता है, ठीक। देन उसके बाद आते हैं 10, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना रहता है इसका। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन लिए हुए, ठीक है, 3 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रही बात, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, और भी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखिए इसके बाद एक दो क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, देन आते हैं 11 में, जो कि चैप्टर 11 से है, ठीक है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरियस ऑफ पैरामीटर्स, तो देख सकते हैं ये चैप्टर 10 में भी इस टाइप से है और चैप्टर 11 में भी है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन 4 कर लीजिएगा, 4 में से 2 डेफिनेटली आ जाएगा 100%। ओके, एंड देन अब आते हैं 12 में, जो कि चैप्टर 10 से ही होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है उसमें। तो चैप्टर 10 में जो है बहुत बड़ा वो चैप्टर है, चैप्टर 10 ABCDEF 10, पता नहीं 10DEF तक है, कितना तक है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन जो है हम लिए हुए चैप्टर 10 से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 देख लीजिएगा, इसी टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे। एंड देन 13 में, तो देखिए 13 में ये वाला टर्म्स है, ये वाला हम करवाए हुए हैं, मेरे चैनल में दिखा होगा आप लोग को, अगर मेरे चैनल में गए होंगे तो खोजे होंगे तो मिल गया होगा। एंड ये 13, 14 का भी मिल गया होगा, एंड 15 का भी मिल गया होगा, क्योंकि तीनों जो है वो एक ही चैप्टर से है। ओके, एंड 16 भी, ऑल्सो 16 एंड 17 जो हमारा लास्ट है, स्टेट एंड प्रूव चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ लैपलस थ्योरम, तो लैपलस थ्योरम से है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया हो, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इतना अगर आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में आपके पास चॉइस रहेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।